हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ संजीव कुमार मिश्रा, आप सबका दोस्त, आप सबका मित्र, आप सबका साथी। आज मैं फिर आपको एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज जा रहा हूँ वृंदावन। वृंदावन मैं अभी फ़िलहाल अभी दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर के पास, ये टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा के पास खड़ा हूँ। यहाँ से वृंदावन के लिए गाड़ी मिलेगी, वहाँ से वृंदावन के वो सब गाड़ी लगी हुई है, ये सब वृंदावन जाएगी। तो आइए वृंदावन की तरफ चलते हैं हम लोग, और हमारे ब्लॉग में बने रहे। हाँ तो गाइज, आ गए हैं हम ओमिनी के अंदर। ये कार है, इस कार के अंदर बैठ गए हैं। यहाँ से हम लोग निकलेंगे, बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। दो सवारी और बैठाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। तब तक हमारे वीडियो में बने रहे। आगे का जो रास्ता होगा हम आपको रास्ते के बारे में बतलाएंगे, दिखलाएंगे। तो हाँ गाइज, गाड़ी यहाँ से खुल चुकी है, तो हाँ गाइज, हम लोग की फाइनली गाड़ी यहाँ से गाड़ी खुल चुकी है। अब हम लोग वृंदावन के लिए निकल चुके हैं। वृंदावन का निधि वन वहाँ स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ महारास किया था। कहा जाता है कि आज भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा सहित गोपियों के साथ महारास करते हैं इसी स्थान पर। महारास, जो भी इस महारास को देख लेता है वह जीवित नहीं रहता। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग जिनके नाम से वृंदावन को जाना जाता है, पहचाना जाता है, तो उस बांके बिहारी के मंदिर की तरफ चलते हैं। तो चलते चलते हम लोग आ गए हैं सिकरी से कुछ दूर, सिकरी से के पास ही आ गए हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग छठीगढ़ा जाएंगे। छठीगढ़ा से हम लोग ऑटो टोटो पकड़ करके जाना है हम लोग को श्री बांके बिहारी के मंदिर में। तो आइए चलते हैं हम लोग छठीगढ़ा की तरफ। जब तक के लिए हमारे वीडियो में बने रहें, तब तक के लिए हमारे वीडियो में बने। आ गए हैं यहाँ से वृंदावन कुछ ही दूर। ये देख रहे हैं यहाँ से बोर्ड है वृंदावन का, यहाँ से हम लोग जाएंगे। छठीगढ़ा से उतर के हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी के लिए। हम लोग टोटो ले लिए है, यहाँ से टोटो से हम लोग जाएंगे बांके बिहारी। तब तक के लिए हमारे वीडियो में बने रहे हैं हम लोग बांके बिहारी। बांके बिहारी का रास्ता है ये, यहाँ से टोटो का 30 रुपये किराया है। तो हाँ गाइस, हम लोग फाइनली वृंदावन में पहुँच गए हैं। मेरो वृंदावन, वृंदावन ऐसे पड़ा इस तीर्थ स्थल का नाम वृंदावन। वृंदावन यानी भगवान श्री कृष्ण की पावन धरती, रासिकों की नगरी वृंदावन की राजा श्याम सुंदर और महारानी की श्री राधा रानी है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वृंदावन के कण कण में रासमय और सभी धर्मों से ऊपर है व्रज धाम, और सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है वृंदावन धाम। वृंदावन मथुरा से 12 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम यमुना के तट पर वृंदावन स्थित है। पद्म पुराण में इस भगवान का साक्षात शरीर सुस्पर्श ब्रह्मांड में समर्ष स्पर्श का स्थान है और मुख्य आश्रय बनाया जाता है। यहाँ श्री कृष्ण और राधिका रानी के अनूठी रास लीला रास वंदना करने का अनुभव मिलता है। प्रभु की लीला जैसी ही यह की प्राकृतिक छठा भी अद्भुत है। सावन भादो के यहाँ की हरियाली भी अति मनभावन है। उपस्थिति मधुवन निधिवन में प्रभु की प्रेम लीला अनुभूति का सुख मिलता है। वृंदावन तुलसी को कहा जाता है और यहाँ तुलसी के पौधे अधिक है, इसलिए इसे वृंदावन नाम दिया गया है, यानी वृंदा तुलसी का वन ब्राह्मण। गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं बांके बिहारी के मंदिर के जस्ट सामने। ये बिहारी का मंदिर, यहाँ से दरवाजा है, यहाँ से रास्ता है। Yeah.
फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए। ये हमारा लाइन है, सब आ रहे हैं और दर्शन करके भी जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं यहाँ से। अब आ गए हैं बांके बिहारी के मंदिर के अंदर। ये देखिए बांके बिहारी लाल, बांके बिहारी के मंदिर, बांके बिहारी लाल की, राधे, प्यारा दर्शन हो रहा है यहाँ पे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पुनः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। फाइनली अब हम लोगों का बहुत ही प्यारा बांके बिहारी का दर्शन हो चुका है और हम अभी बांके बिहारी के मंदिर में ही है। बहुत ही खूबसूरत प्यारा भी मंदिर सजा हुआ है और बांके बिहारी का हम लोगों का दर्शन हो चुका है, जो कि यहाँ से बांके बिहारी का दर्शन हो रहा है। यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। अब हम लोग दर्शन करके यहाँ से निकलने वाले हैं, फिर अब देखिए यहाँ से प्रेम मंदिर जाएंगे और भी सारे मंदिर जाना है, तो यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो में बने रहें। फाइनली अब हम लोगों का दर्शन हो चुका है। अब हम दर्शन के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं प्रेम मंदिर के लिए, यहाँ से जाएंगे प्रेम मंदिर। ये देखिए ये रास्ता है, यहाँ पे लड्डू गोपाल के प्रसाद, भोग, मक्खन, माला, यह सब मिलता है यहाँ मंदिर से निकलने के बाद ही। और यहाँ पे बहुत सारे, हाँ गाइस, यह है श्री राधा स्नेह बिहारी का मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर यहाँ पे गोपियाँ नृत्य करती रहती है। तो हाँ गाइज, हम आ गए हैं निधि वन में। निधि वन जो कि मान्यता है कि निधि वन मंदिर में श्री कृष्ण ये या ठाकुर जी रात में होने के बाद आते हैं और राधा जी और सभी गोपियों के साथ दिव्य रास लीला करते हैं। निधि वन मंदिर में राधा कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति और एक रंग महल है जो जंगल में से घिरा हुआ है। इस रंग महल में रास लीला खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विश्राम करते हैं। कहा जाता है कि इस रंग महल और यहाँ की रासलीला को जो भक्त देख लेता है या तो वो गूंगा या अंधा बहरा या तो मानसिक रूप से वो पागल हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही दिव्य एक जंगल, एक तुलसी का हर एक पौधे यहाँ जो है जुड़ा जुड़ा है, हर एक दो दो करके ही है यहाँ पे, और ये तुलसी जी का पौधा से ही सारा ये जंगल घिरा हुआ है, तो बहुत ही सुंदर दिव्य। और ये आप देख रहे हैं निधि वन की खूबसूरत प्रतिमाएं, जो कि ये है सारी गोपियाँ का यहाँ पे प्रतिमा लगा हुआ है। यहाँ पे गोपियाँ नृत्य करती थी और भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर बैठ करके सारी गोपियों का नृत्य देखा करते थे। ये देखिए कुछ तस्वीर के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे सिंहासन वहाँ का लगाया गया है श्री कृष्ण भगवान का, यहाँ पर बैठकर के गोपियाँ नृत्य करती थी। ये है सारी गोपियों का ये प्रतिमा जो है कि बनाया गया है। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग कुछ दूर जाएंगे तो यहाँ से थोड़े ही बगल में ही आपको बंसी जो है, ये देखिए बंसी जहाँ पर चोरी हुई थी भगवान कृष्ण की, ये मंदिर है, यहीं से भगवान श्री कृष्ण की बंसी जो है चोरी हुई थी।
बांसुरी देखिए, बंसी चोरी, राधा रानी का मंदिर है यहाँ पे, राधा रानी की प्रतिमा है, कृष्ण भगवान की प्रतिमा है, जो कि बहुत ही सुंदर निधि वन में ही के अंदर ही आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यह है श्री राधा रमण बिहारी जी का मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ से निधि वन से निकलने के बाद थोड़ी ही दूर पर ही श्री राधा रमण मंदिर जो है यह है, यहाँ पर भी बिहारी जी का दर्शन होगा, बहुत ही सुंदर यहाँ पर भी दर्शन होता है। आइए तो इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर चल करके श्री राधा रमण मंदिर जी का, राधा रमण जी का दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर भाग्य है कि हमारा ऐसा दिव्य दर्शन करने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत लोगों को तो बाहर से ही दर्शन करके जाना पड़ता है, लेकिन हम लोगों को देखिए कितना खूब सुंदर, कितना प्यारा दर्शन हो रहा है। श्री बिहारी ठाकुर जी महाराज जो है, श्री कृष्ण जी बंसी बजाते हुए वहाँ पर बैठे हुए आसन पे हैं, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे सारे सजावट किए गए हैं, बहुत ही अच्छा ये लग रहा है। सारे भक्त जो है उनसे आँख नैन जो है उनसे देख रहे, मिला रहे हैं। हाँ सी गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं यमुना जी का दर्शन करने के लिए, यमुना जी का सैर करने के लिए। बहुत ही धूप है और काफ़ी गर्मी भी है यहाँ पे। अब हम लोग पैदल सड़क के माध्यम से पैदल ही जा रहे हैं श्री यमुना जी का दर्शन करने के लिए, जहाँ पे कालिया नाग का भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पे उनका अहंकार तोड़ा था, बीच से समुद्र को, यमुना जी को बिक से दूर किया था। ये देखिए, ये अब हम लोग आ गए हैं यमुना जी के, देखिए कोसी कैसी घाट है। यहाँ से अब हम लोग को एक नाव पकड़ करके हम लोग नाव के माध्यम से ये सारे यमुना जी का दर्शन करेंगे। अब यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं घाट की तरफ, घाट का माध्यम से हम लोग जाएंगे और नाव के माध्यम से जाएंगे, जो कि यमुना जी का सैर करेंगे उसके ऊपर, उससे हम लोग जाएंगे यमुना जी का सैर करते हुए। ये देखिए हम लोग आ गए हैं नाव के ऊपर। इस नाव के माध्यम से देखिए यमुना जी के किनारे घाट जो बना हुआ है उसका खूब सुंदर दृश्य देखिए, क्या नज़ारा है। और यहाँ पे नाव काफ़ी सुंदर और बढ़िया तरीके से सजाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि देख करके यहाँ पर आती रहती है, जो कि यमुना जी का पानी काफ़ी काला हो गया है, दूषित हो गया है, ऐसा लगता है कालिया नाग उस समय नहीं, कालिया नाग इस समय है। यहाँ पे कृष्ण भगवान को दोबारा आकर के इस यमुना जी को पवित्र करना होगा। अरे फूल उसी में रहने देते हैं। यमुना जी का पानी जो है काफ़ी गंदा हो चुका है, दूषित हो चुका है, उसी में रहता है ना, इधर अब हो गया है, पहले उस समय तो साफ भी नहीं था। ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा कालिया नाग इसमें इस यमुना जी में प्रवेश कर चुका है। गंगा जी की, यमुना जी का जो है पानी काफ़ी दूषित हो चुका है, इसको साफ करने के लिए एक बार फिर से कृष्ण भगवान को इस धरती पर आना होगा। ये देखिए इस यमुना जी के नदी के ऊपर से ये घाट नाव के ऊपर से ये जो है जो बना रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। ये बाहर का ये मौसम भी अच्छा है, मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म है, दूर दूर तक घाट इसी तरह दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। यमुना जी का पवित्र स्थल काफ़ी सुंदर आकर्षित कर रहा है, जैसे प्यारा नज़ारा है, काफ़ी पुराना ये सब देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी पुराना है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे हर यमुना जी का दर्शन करने के लिए, यमुना जी का जल लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे किनारे किनारे जो नाव लगा हुआ है, नाव के माध्यम से सारे भक्तों को यमुना जी का सैर कराते हैं। 100 रुपये एक आदमी का लगता है। ये देखिए यही है, यहीं पर कालिया नाग भगवान ने जो कि कालिया नाग का
रहा था, ठंड को पड़ना भगवान काफ़ी सुंदर ये जैसे हम लोग का अब दर्शन हो चुका है, यमुना जी का दर्शन हो चुका है, यमुना जी से घूम करके हम लोग वापस यहाँ से वापस लौट रहे हैं केसी घाट के लिए। केसी घाट से फिर हम लोग घर को जाएंगे। काफ़ी पुराना ये सब जो है, जो काफ़ी पुराना ये घर है जो कि तीर्थ स्थल जो है, यहाँ पे सारे गुरु के यहाँ पे छात्र जो है आते हैं, स्नान करते हैं। इसे देखिए कितना सुंदर ये दृश्य लग रहा है। वृंदावन की धरती भगवान कृष्ण की जो है पवित्र चरण जहाँ लग गई है, वो भगवान की धरती वहाँ की मिट्टी जो भी क्या कहना बहुत ही सुंदर। यहाँ पे आरती होता है गंगा जी का, हर एक शाम को यहाँ पर आरती होती है 7 बजे करीब में। यहाँ से सारे भक्त जो है नाव पे बैठ करके अगल बगल जहाँ जिसको जगह मिला वहाँ से वो आरती गंगा जी के आरती है। गंगा जी का जो पानी है कैसा काला बड़ा होता है, काला होता है किसी को जाए जन कितना प्यारा नज़ारा है। अब हम लोग यहाँ से निकल सकते तो हाँ गाइस, हम लोग का वृंदावन का जो है सफ़र पूरा हो गया है। सफ़र पूरा कहाँ हुआ, वृंदावन में आइए तो कम से कम 1 हफ्ता का छुट्टी लेकर के आइए और यहाँ पर सारा वृंदावन का जो तीर्थ स्थल है यहाँ के अगल बगल के पास उसके मंदिर जो है घूम।